Eiji! लो जी अभी तक नाराज हो हमसे? नहीं, नाराज नाराज कहाँ है ए जी? ओ जी, कैसे लग रहे? ठीक ठीक, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टीकू टीकू कौन? टीकू चुकू 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 को तो हम बिंदु के घर भेज दिए हैं। अब इस घर में कौन उनाई है? सिर्फ तुम और हम, तुम और हम, तुम और हम। हाय दया, हमसे कहाँ पर्दा कर रहे हो? हाँ नहीं, हम कहाँ पर्दा कर रहे हैं? तो आओ, कहाँ आओ ना, कहाँ? हमरी बाहों में। कौन है जी? ए जी, दरवाजा खोलो। हमने ए जी ऐसे लबलबाए का है? ए जी, हे बजरंगबली, कुंदन तो कह रिया था ये हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही प्रेम बरसा रही है। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। जी बजरंग बली, चूरमा भैये। अमा मिया, हमें चूरमा भोपाली। आज तो रविवार है, आज तो मैं डाक खाने भी नहीं जा सकता। अमा क्या करूं? एक काम करते हैं, ना धो के तफरी करके आते हैं, ये सही रहेगा। अमा पहले इस शेरनी का पिंजरा तो खोल दूं। मामा रुक तो गए हैंगे। सुतीलाल, तुमने ये क्या किया? अरे अपनी आधी दुकान बेचो। ये क्या कह रहे हो मामा? ओहो, अरे माफ करना सुतीलाल, वो क्या है कि मिर्चा भाभी के सामने खड़े होने की वजह से हमें तुम्हारी आधी दुकान दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमें लगा जैसे तुमने अपनी आधी दुकान बेच दी है। ए, मामा जबान संभाल के बात करो, अगर हमारे समोसा को गुस्सा आ गया ना तो हमरे समोसा तुम्हारे जलेबी बना देंगे। हाँ अरे मामा, हमरे बहने जी को कायर मत समझना, वो लड़ाई झगड़े से इसलिए दूर रहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका नाम और उनकी दुकान का नाम खराब हो। अरे हमरे बहने जी का नाम बहुत बड़ा है। अरे हाँ, ये बात तो हमें बच्चन जी ने भी बताई थी। क्या बोलता है? बच्चन जी ने? हाँ, श्री अमिताभ बच्चन जी ने। कहा अमिताभ बच्चन जी ने तुम्हें हमारे बारे में बताया? हाँ भाई, ये बात हमें श्री अमिताभ बच्चन जी से तो पता लगी कि तुम्हारा बहुत नाम है। मामा, हमें ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही हैंगी, अमिताभ बच्चन जी ने तुम्हें लीजा। भाई श्री अमिताभ बच्चन जी ने आज से कई साल पहले
फिल्म लावारिस में ये बात कही थी कि जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बुलडोजर भाभी, ये जो अभी सुत्तीलाल जी दिखाए थे ना, उनकी धर्म पत्नी है मिर्चा। मतलब मिर्चा भाभी काय मामा की सुताई कर रही है? अरे कुछ नहीं मुकुंदी बाबू, अब क्या है, हम और मिर्चा भाभी तो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। क्यों मिर्चा भाभी? अरे अरे मिर्चा भाभी, मिर्चा भाभी आप शांत हो जाइए। अरे मुकुंदी बाबू चलिए चाय पीते हैं। मिया मैं चाय नहीं पीता। मतलब आज हमारा चाय पीने का मूड नहीं है। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चाय हम पी लेंगे, समोसे आप खाइए, आइए बैठिए। सुत्तीलाल भाई जल्दी से 3 समोसे लाओ। सुत्तीलाल 3 नहीं 2 समोसे। क्यों तुम समोसा नहीं खाओगे? मामा वो कहेंगे कि अरे 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 समझ गया लीजा, वो क्या है कि तुम अपना वजन कम करने के लिए आजकल कम खा रहे हो। एक बात कहें लीजा? हाँ कहो भाई। जरा वर्जिश किया करो, भाग दौड़ किया करो, दंड पेला करो। वैसे दंड तो पिताजी पेला करते थे, वो भी 1 बार में 100। भाई बात थी पिताजी? अरे मियां 100 दंड तो हम, मतलब 100 दंड तो हम यूं पेल दे, यूं 100 दंड। हाँ मुकुंदी बाबू वो भी आप, वो भी लगातार, वो भी एक साथ। हाँ भाइयों, अगर मुकुंदी बाबू ने 100 दंड बिना रुके पेल दिए तो अगले हफ्ते हम पूरे लापतागंज को दावत देंगे। अब मुकुंदी बाबू अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो अगले हफ्ते पूरे लापतागंज को तुम दावत मत देना। तो चलिए हम दिखाते हैं कि कैसे हम लगाते हैं 100 दंड। आओ आइए आइए। सौ दंड। जी बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, जे हो लोमिया मामा। मान गुसाई तुम्हारी याद भली। इंदुमती आए तू, कहा कर रहा है, कहा कर रहा आए? अरे क्या हुआ? मैं सीखूं मुकुंदी भैया से, पापा कसम देखो कैसे मक्खन की तरह डंड पेल रहे हैं, और एक तुम हो। जीजा जी की वाइफ की जीजा जी, आप दंड नहीं पेलेंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। चलो हम कह रहे करो, चलो। ओ बिंदुमती कहा है कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना इस डाखाने वाले से ना ज्यादा डंड पेल के दिखा सकते हैं हम। 96 98
99 मुकुंदी बाबू और 100 अम्मा भोपाली नहीं नहीं वो लापतागंज का वो क्या कहते हैं पहलवान पहलवान लापतागंज का पहलवान मौसी कहा समझे हमरे एजी को हाँ लालगंज के पहलवान लाल सिंह के दामाद है दामाद मिस्टर मुकंदी लाल गुप्ता फ्रॉम लापतागंज गुड मॉर्निंग हेलो हाउ आर यू लो जी ओ जी कल रात को हम का ऐसे घर में बंद करके कहे गए अम्मा वो जवाब दो बोल कहे नहीं रहे हो जवाब दे रहे हो ना अरे बोलो ना जवाब तो दो अरे बोलो वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को फिर भी हम कह रहे हैं मुकुंदी बाबू आपने कभी बताया नहीं कि आप मुकुंदी जी जा आपने तो कमाल का कानपुर कर दिया अरे इनको भी सिखा दो थोड़ी कसरत कसरत है रत नहीं कि बैठ के निकल लिए अरे मामा दावत का न्योता तो दे दो अरे भाई न्योता तो पिताजी दिया करते थे वो भी तब जब दावत खत्म हो जाती थी तब अरे लेकिन मामा दावत का देहरादून दे कौन रहा है बिंदु दीदी वो कहेंगे मामा ने जीजा जी से शर्त लगाई थी कि अगर ये एक साथ 100 दंड पेल दे तो मामा अगले हफ्ते पूरे लापतागंज को दावत देंगे अरे हाँ ठीक है भाई अगले हफ्ते सब लोग सुत्ती लाल की दुकान पर आ जाना दावत हम दे देंगे दावत की खुशी मत मना जो काम करने आया है पीले वो कर कसम भोपाल की सैया हमार नथुनिया पे जय राम जी हाँ राम राम भैया एक ठोप पान लगाओ जरा सुपारी गिंडी चूना कम खुशबू किमाम तीन चौकस मजा आ जाए बस लगा दो चूरमा भोपाली चूरमा भोपाली काम गंदी भैया आपके लिए बनाए एक गिलोरी अरे क्या बात करते हो चौरसिया भैया भला मुकुंदी भैया ने आज तक कब पान खाया है जो आप खाएंगे भला है ना मुकुंदी भैया लाओ लगा 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 पैसे उधार लिख लेना है राम लिखे राम राम क्या बात है चौरसिया अभी तो 10 ही बज रहे हैं लेकिन तुम्हारे चेहरे की घड़ी 12 क्यों बजा रही है अब क्या बताएं मुकंदी भैया हमारे ताऊजी की तबीयत बहुत खराब चल रही है साई जी का फोन आया था बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा ओहो अब तो बहुत पैसा खर्च होगा हाँ ताई जी बता रही थी डॉक्टर ने 15,000 का खर्चा बताया है ओहो समझ नहीं आ रहा मुकुंदी भैया आखिर करे तो क्या करे ओहो अरे मुकुंदी बेटा अरे राम राम बाबूजी राम 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 बेटा हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे हम कहाँ भुलंतर हो गए थे जो हमें ढूंढ रहे थे मतलब हम कहाँ खो गए थे क्या बात है बाबूजी आपके चेहरे की घड़ी पर भी चौरसिया की घड़ी वाला टाइम हो रहा का मतलब मतलब कुछ परेशान से लग रहे हाँ बेटा वो लाला लालची लाल मिला था अभी अमा अब ये लालची लाल कौन है तो फिर अपने पैसे मांग रहा था तो दे दो
ये लो चाचा। पर मुकुंदी बेटा, गुड्डू बता रहा था कि लाला के आदमियों से तुमने कहा था कि वो पैसे तुम दोगे। मतलब कैसे पैसे? कौन से पैसे बाबूजी? अरे बेटा, उस दिन तुमने ही तो कहा था ना। लगता है मुकुंदी लाल गुप्ता ने कोई वादा किया था। हाँ, कहा तो था बाबूजी, लेकिन। हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं। आखिर इतने पैसे तुम लाओगे कहाँ से? 10,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। पर बेटा, हम भी क्या करें, दिल तो नहीं मानता, लेकिन अब लगता है कि वो जमीन बेचनी पड़ सकती। चूरमा बेटे, कसम भोपाल की, लोहा गरम लग रिया है, मारते हथौड़ा। देखिए बाबूजी, अगर आपको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर जैसा आप ठीक समझे करिए, हम चलते हैं। बेटा जी, हम जानते हैं हमारी बात सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा है ना। अब तुम ही बताओ बेटा, अब हम और क्या करें? अब बात इज्जत पे बनाई है। देखिए बाबूजी, आदमी की इज्जत से बड़ी इस संसार में कोई चीज नहीं होती, इसलिए इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जमीन बेचनी भी पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लीजिए, समझे? चलते हैं मियां, चलते हैं चौरसिया। अच्छा बाबूजी, अरे रामशरण, तुम्हें चौरसिया याद कर रहा है यार? हमें? हाँ जी, याद है। चूरमा भोपाली। चूरमा भोपाली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।